टॉप थ्री बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 7000। तो भाई अगर आपका बजट 7000 है, 7000 के बजट रेंज में आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो, तो भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आज आपको टॉप थ्री नहीं, मैं आज आपको टॉप फोर स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत तगड़े होने वाले हैं। तो बात करते हैं सीधा नंबर फोर की बात करूँ। नंबर फोर पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M02 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये स्मार्टफोन जो है वो आपको 4 कलर्स में देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम बात करें, ये 2 वेट में देखने को मिलेगा, 2GB रैम के साथ एंड 3GB रैम के साथ। जो भी आपके प्राइस रेंज में सेट बैठता है आप उसकी और जा सकते हो। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप जो स्टोरेज को एक्सपेंडेबल कर सकते हो 1TB तक। अगर आपको ज़्यादा स्टोरेज रखने के शौकीन हो, जो आपका कोई काम ऐसा कि आपको स्टोरेज ज़्यादा रखनी पड़ती है, आपके लिए भी परफेक्ट डील होने वाला है। प्लस आपको इन्फिनिटी वी कट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, डुअल कैमरा 5 MP के साथ आपको सेल्फी देखने को मिल जाएगी, कोर प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। मतलब 5000 mAh की बैटरी आपको एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगी। आपने जैसे भी यूज़ करना है, जितना भी यूज़ करना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। प्लस मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसका जो डिज़ाइन लुक है वो तो आपको अच्छी मिल ही जाती है, उसके साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपका फ़ोन जो है वो गिर भी जाता है तो ये टूटने वाला नहीं है, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अपर है। कलर वगैरह मैंने आपको बता दिया, जो भी आपको सही लगता है आप उस कलर की ओर जा सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, थोड़ा सा मैं आपको डीपली बता देता हूं। तो यार डिस्प्ले की बात करूँ, 6.5 इंच PLS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको कोर प्रोसेसर इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि 28 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। बैटरी की बात करूं, आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ, आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, 30 MP प्लस 2 MP। सेल्फी की बात करूं, आपको 5 MP सेल्फी देखने को मिल जाती है। स्टोरेज की बात करूं, ये 2 वेंट में आता है, 2GB रैम एंड 3GB रैम के साथ। प्लस आपको 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, आपको 7200 के बजट रेंज में सैमसंग गैलेक्सी M02 देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया सैमसंग गैलेक्सी M02 के। यार इसको नंबर 4 पर रखने का एक रीज़न है, यार बहुत ऐसे बंदे होते हैं, जब मुझे ऐसे बंदे बहुत मैसेज करते हैं जिनको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन नहीं चाहिए होता है। तो भाई अगर आपको नॉन चाइनीज स्मार्टफोन नहीं चाहिए, आप सैमसंग के इस फ़ोन की ओर जा सकते हो, बिकॉज आपको बहुत ही ज़्यादा सही प्राइस रेंज में मिल जाता है। अगर आपका बजट 7000 है तो आप 200 एक्स्ट्रा पे कर देना एंड आपको 7200 बजट रेंज में सैमसंग गैलेक्सी M02 देखने को मिल जाएगा। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने चेकआउट करना है आप चेकआउट भी कर सकते हो। आपको लॉन्ग बैटरी लाइफ मिल जाती है, कैमरा क्वालिटी भी इसकी बैक कैमरे की सही है, लेकिन सेल्फी इसकी इतनी अच्छी नहीं आने वाली। आप 7000 के बजट रेंज में इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सेल्फी भी बहुत अच्छी मिले एंड मेन कैमरे में भी अच्छी सेल्फी वगैरह आपको फोटोज वगैरह देखने को मिले। ठीक है, आप 7000 के बजट रेंज में इतना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आगे बात करते हैं नंबर थ्री की बात करूँ। नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है POCO C3 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूँ, सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात कर लेते, तो यार ये स्मार्टफोन आपको 7500 के बजट रेंज में देखने को मिलता है। तो भाई अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा गुड डील होने वाली है, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है, डिजाइन लुक वाइज भी बहुत अपर है एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तब भी ये स्मार्टफोन थोड़ा सा आगे चला जाता है। आपको 3 कलर्स में ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, 2 वेंट में देखने को मिलता है, प्लस आपको माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। मतलब आप अगर आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए आप SD कार्ड यूज़ कर सकते हो। प्लस डुअल सिम है, तो अगर आपने डुअल सिम यूज़ करनी है तो भैया आप नॉर्मली इजीली कर सकते हो। तो POCO C3 आपको सही प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं इसके मेन स्पेसिफिकेशन की, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ डीपली। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 6.43 इंच IPS LCD देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बातों को Helio G35 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बातों को 3GB रैम मिल जाती है प्लस 32GB स्टोरेज। बैटरी की बात करूं, इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी मतलब भाई आपका तो एक दिन से मतलब 2 दिन भी आपके नॉर्मली निकल जाएंगे। अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो आपके 2 दिन तो नॉर्मली ही निकल जाएंगे। प्लस आपको 10W का फास्ट चार्जर मिल जाता है। कैमरे की बातों को ट्रिपल कैमरा मिल जाता है 30 MP के साथ। सेल्फी की बात करूं, आपको 5 MP सेल्फी मिल जाती है। प्राइस की बात करूं, आपको 7500 के बजट में POCO C3 देखने को मिल जाएगा। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया POCO C3 के। इसकी जो सेल्फी है वो एवरेज देखने को मिल जाती है, लेकिन जो बैक कैमरा है उसकी क्वालिटी आपको सही देखने को मिल जाती है। इतनी अपर नहीं हो सकती, लेकिन आपको एवरेज देखने को मिल जाती है, लेकिन जो सेल्फी है वो इसकी बिल्कुल भी नहीं सही। ठीक है, मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलने वाला। एंड इसका प्रोसेसर भी आपको तगड़ा देखने को मिल जाता है। अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब आपके 2 दिन तो नॉर्मली निकल जाएंगे। मतलब जैसे भी यूज़ करना चाहते हो, जितना भी यूज़ करना चाहते हो भी आप कर सकते हो।
कलर वगैरह देख लेना, जो भी आपको सही लगता है आप ले सकते हो। प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, अभी अगर आपके हाथ से गिर भी जाता है ये सेल फोन जो है वो टूटने नहीं वाला। पोको ब्रांड है, टेस्टेड ब्रांड है, नाम बना गया अभी अपना। आगे बात करते हैं नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर यार मैंने रखा रियलमी C11 को। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ यार इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अपर है। अगर आपको लुक मैटर करती है, डिज़ाइन मैटर करता है, आपके लिए परफेक्ट डील होने वाला है रियलमी C11। आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो कलर्स में देखने को मिलता है, दोनों कलर इसको बहुत ही ज़्यादा सूट करते हैं। जो भी आप कलर लेना चाहते हो आप ले सकते हो, लेकिन मुझे ग्रे कलर में ज़्यादा सही लगता है। आप देख लेना जो भी कलर आपको पसंद आता है आप उसके और जा सकते हो। आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, डुअल कैमरा है, ठीक है, 5 मेगापिक्सल के साथ आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है जिसपे आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें भी आपको MediaTek Helio G35 देखने को मिलेगा जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो यार 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है तो आप गेमिंग कर सकते हो इजीली, नॉर्मली कर सकते हो, आपको कोई भी इश्यू प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर आपने कॉल ऑफ ड्यूटी यूज़ करने हैं या अगर आप पबजी वगैरह खेलना चाहते हो आप इजीली नॉर्मली खेल सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं आएगा। प्लस इसकी बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाता है। डिज़ाइन लुक मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको ऊपर मिल ही जाता है। तो भी अगर आपका बजट 7000 है आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा गुड डील आपके लिए हो सकती है। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखा इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस को। तो सबसे पहले भाई मैं आपको ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि इसको नंबर वन पर रखा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नंबर वन पर है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड जो मैं पहले आपको फ़ोन बताया वो ऐसे हैं वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको नंबर वन पर रखा बिकॉज इसका डिज़ाइन, इसके लुक एंड स्पेसिफिकेशन आपको सही देखने को मिल जाते हैं। जैसे बाकियों में देखने को मिलते हैं वैसे ही इसमें भी देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 4 कलर्स में देखने को मिलता है एंड ये स्मार्टफोन चारों ही कलर में बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, ठीक है। तो अगर आपने जाना है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस की ओर भी आप जा सकते हो। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ जो कि इस फोन की खासियत है, एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि आपको फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक वगैरह भी देखने को मिल जाता है जो कि सच में एक प्लस पॉइंट आ जाता है। तो इसमें आपको 6000mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है जो कि आपके 2 दिन तो नॉर्मली निकाल देंगे। एंड इसमें आपको MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो भाई अगर आपने गेमिंग वगैरह करनी है आपके लिए भी परफेक्ट है, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो आपके लिए भी परफेक्ट डील हो सकता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस के, तो यार इसके स्पेसिफिकेशन थोड़े से ज़्यादा अच्छे हैं जितने भी मैंने आपको स्मार्टफोन बताए, बिकॉज आपको प्रोसेसर अच्छा मिल जाता है, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है, अच्छे कलर, अच्छा डिज़ाइन एंड जो डिस्प्ले का साइज है वो भी आपको बड़ा देखने को मिल जाता है 7000 के बजट रेंज में। तो भाई अगर आपने जाना है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस की ओर आप जा सकते हो, आपके पैसे खराब नहीं होने वाले अगर आप 7000 पे कर देते हो। लिंक मैंने प्रोवाइड किया आपको सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको बजट 7000 है, 10000 है, 12000 है, 15000 है, 20000 है, 25000 है, या अगर आपका बजट 1.5 लाख तक भी है, सभी के लिंक मैंने प्रोवाइड किए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने चेक आउट करने हैं आप चेक आउट कर सकते हो। तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भी देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भी देना, उनको भी कह देना कि चैनल को दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेक आउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू।